तरह से हम मास्क लगा के जाएंगे। मैं तो मास्क उतारूंगी और बहुत सारे लोग लिफ्ट देने आ रहे हैं। जैम अकेला पहुंच सकते हैं इतना मुझे पता है ना, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडियन खाना ही है। तारी भी आ चुकी है, ये हमारे पास बटा पाव, पिक्चर लगी हुई है, हो गया है ब्लर। मैं ले ही नहीं रहा था, जबरदस्ती इसको दिलाया, वो सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। कोल्ड कॉफी कम, चॉकलेट मिल्क शेक ज्यादा लग रहा है। तकरीबन सारी चीजें निमट गई, 20,000 कुछ भी नहीं है। ये लड़के ने मुझे इतना घुमाया है ना पूरे मॉल में, खूब फ्रिल्ला गाइस, इतना रश है। गाइस किसी का छोटा बच्चा जो है वो खो गया है, मोबाइल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मोबाइल मुझे क्या पसंद आ रहा है, ये सबसे ज्यादा मैटर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हियर आई एम बैक विद अनदर यूट्यूब व्लॉग्स। सीन कुछ ऐसा है कि आप लोग मैं फुल ऑल ब्लैक में नजर आ रही होंगी। सो बेसिकली अबाया मैंने पहन लिया है, अब बस स्कार्फ बांधना है, अबाया पहना हुआ है, कहाँ जा रही है। तो भाई कुछ लोग तो डेफिनेटली समझ गए होंगे कि हमें ईद की शॉपिंग करनी है, और ईद की शॉपिंग करने हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। आई नो पहचान जाते हैं लोग, लेकिन अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करनी है ना। तो खैर आज का प्लान हमारा कुछ इसी तरह का है कि हमें करनी है, और शॉपिंग हमारी इस तरह से होती है कि पहले सारी लड़कों की होती है, फिर लड़कियों की होती है, मतलब मम्मा और मेरी, फिर इस तरह से हमारी सर्विस से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। खैर इस दफा भी ऐसी, आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, अब देखते हैं किसकी शॉपिंग होती है, मेरी या फिर सारे लड़कों की। सो फुल ब्लॉग जरूर देख रहे, बहुत मजा आने वाला है। और देखते ये है, असल टास्क ये है कि हमें कोई पहचान पाता है क्या नहीं, और हम ब्लॉग बना पाते हैं क्या नहीं, क्योंकि मुझे ब्लॉग शूट करना है और मुझे डर लग रहा है कि यार मार्केट इतनी ज्यादा फुल हुई भी होगी और किस तरह मोबाइल निकाल के ब्लॉग शूट होगा। खैर आई एम स्केयर्ड, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा ही होगा, अल्लाह ताला जो है वो हिफाजत फरमाएंगे। सो लेट्स सी, जल्दी से पहन लेते हैं स्कार्फ और फिर निकलते हैं शॉपिंग करने ही थी। अब आप लोग यकीन फिर सोच रहे हैं कि ये लुक किसने क्रिएट किया है। भाई ये लुक भी क्रिएट किया ज़ाकिर रुकैया सलोन ने, हेयर स्टाइलिंग मेकअप हर चीज, और आई एम लव विद दिस लुक। हमेशा की तरह दिस लुक मुझे बोलना ही नहीं पड़ता, क्योंकि हर लुक ही इतना प्यारा होता है। तो आप लोग भी जरूर चाहिए, अगर ईद के लिए आपको मेकअप करवाना है, शादियों के लिए मेकअप करवाना है, मांगी हो मेहंदी, इंगेजमेंट, किसी भी इवेंट के, तो जरूर जाइए ज़ाकिर रुकैया सलोन। थैंक यू। यस आई एम रेडी गाइस, और इस तरह से हम मास्क लगा के जाएंगे, मास्क में ही आज व्लॉग बनेगा, तो व्लॉग जरूर देखना है, लेट्स गो। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, और मेरे साथ खुरैम, मम्मा और उज़ैम है। उज़ैम को हम नहीं ला रहे थे, लेकिन उज़ैम ने कहा नहीं मुझे भी जाना है, तो हमने कहा चलो अब चलो, उसको भी दिखा देते हैं कितना रश होता है। उज़ैम को हम पता बच्चे खो भी जाते हैं जी, हाथ पकड़ के रखना जी, मुझे तो आपको पकड़ना पड़ेगा हाथ, क्योंकि मैं क्यों खोऊंगी अच्छी बात बोली है, पकड़ोगे, पकड़ना पड़ेगा। देखते हैं ये अपनी बात पे कायम रहते हैं भैया। एक बात सुनो, अगर आप ही हो तुम दोनों खो गए, अगर हम भी दोनों खो गए, तो तुम लोग वापिस आ सकते हो? हाँ, तो क्यों नहीं आ सकते, क्या मतलब है? मैं तो मास्क उतारूंगी और बहुत सारे लोग लिफ्ट देने आ रहे थे, और सबकी लॉटरी निकल जाएगी, रफीका खान से मिल लिया। नहीं नहीं बढ़ चलती है, ड्राइव है, फोन है, सबसे बड़ी बात नहीं भी है, तो मतलब आस पास इतनी सारी चीजें हैं जो लोग बता सकते हैं, तो मसला नहीं है, तो पहुंच भी सकते हैं। उज़ैम भी अकेला पहुंच सकते हैं, इतना मुझे पता है ना। मैं तो कहीं भी बोल जाऊँ, उज़ैम अगर ऑटो में आएगा तो उनको अपना घर का एड्रेस बता देगा, लेकिन इसको समझाना नहीं आएगा, ये बात की गारंटी मैं आप लोगों को देती हूँ, उसको बिल्कुल समझाना नहीं आएगा। लेकिन खैर अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ना करे कि कोई खोए, और अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, सो लेट्स सी देखते हैं। खोने से एक बात याद आ रही है जी, बचपन में मम्मा ने मुझे खो दिया था, और मैं रो रो के बुरा हाल था, गुम हो गई, मैं गुम हो गई और मैं रो रही, मुझे काउंटर पे मैं बैठ गई, वहाँ पे जाके धो धो रोना शुरू, फिर देखा तो सामने से मेरे अम्मा अप्पा जा रहे थे, पता नहीं कौन सी रो में, तो फिर मैं वहाँ भागती भी गई थी, फिर मैं मिली थी, वरना इतना मैं रोई थी कि नहीं। फिर उन्होंने ऐलान करवाया था, अच्छा ऐलान, ऐलान करवाया था आप तुमसे नाम पूछ के, उन्होंने कहा मेरा नाम है रबीका, तो वो उन्होंने कहा ये रबीका यहाँ बैठी हुई किसकी बेटी है, बचपन की भी चीज है। तो यहाँ पर जो है हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, 6:21 हो रहे हैं गाइस। यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि 6:30 हो रहे हैं ऑलरेडी, और रोजा जो वो खुलने वाले हैं, तो हमने कहा कि चलो इफ्तारी करने के बाद ही मार्केट्स वगैरह में ही जाएंगे। तो अभी भैया जो है यहाँ इस जगह लेके आए हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडियन खाना ही है, पाव कीमा चीज भी अवेलेबल है। वाह भाई देखते हैं, पाव भाजी, वड़ा पाव, चीज, भैया चीज ज्यादा मत डलवाना, पूरा चीज लेस, तो अब देखते हैं इंडियन खाना। इडली भी है, इडली, इडली होता है, इडली होता है क्या? इडली, इट्स इडली वगैरह भी पूछ लो वहाँ पे क्या है, इडली मुझे नहीं पता कैसी होगी। खैर इंडियन खाना आज हम इफ्तारी में, डोसा भी भाई,
इफ्तारी का टाइम सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और हमारी इफ्तारी भी आ चुकी है। ये हमारे पास वड़ा पाव जिसमें है वड़ा और साथ में पाव है और हरी मिर्च भी है। सामने डोसे रखे हुए हैं और ये कोई न्यू चीज आई है, कीमा पाव। कीमा पाव है ना ये, चीज कीमा पाव। चीज कीमा पाव, मैंने इसको बोला था चीज कम डालो तो उसने कम डाली है। अगर मैं इसको बोलती ज्यादा तो ये कितनी डालता, मैं तो ये सोच रही हूँ। लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, बहुत यमी लग रहा है। आप देखते खा के कैसा है, जैसा भी होगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। तो इफ्तारी वगैरह हम लोगों ने कर ली है। सो मम्मा जो है वो उज़ैम और मही की कमी शलवार देखने आई है शॉप में। आई शॉप में हुसैन की पिक्चर लगी हुई है ये तो मैंने अभी देखा है, हुसैन तरीन। ओहो इनको तो देखो, नवाब साहब को मैंने अभी नोट किया, मैंने कौन है कौन है, तो हुसैन की पिक्चर लगी हुई है। हाँ उसी शॉप में मम्मा देख रही हैं। मैं बाहर बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं दिल्ली जा रही हूँ, एनर्जी बहुत लो हो रही है, मैं सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा आप ये ले ले फिर हम लोग आगे से कंटिन्यू कर लेंगे। और मैंने अभी देखा कि मेरा पहले जो मैंने पार्ट बनाया वो हो गया है ब्लर, तो कोई बात नहीं आप लोग देख लो फिर भी। तो सीन कुछ ऐसा था, मुझे लग रहा था शायद मेरी शॉपिंग होने वाली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन लड़कों की शॉपिंग होने वाली जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन चलो खैर यार अब आ गए तो कर लेते हैं इनकी शॉपिंग, बेचारे खुश हो जाएंगे, क्या कर सकते हैं, करनी तो पड़ेगी, भाई हैं। सैम के और महीर के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कुर्ते मिल गए हैं। सैम आर यू हैप्पी? यस। कौन सा कलर लिया है? मैंने एक लिया ग्रीन एंड गोल्डन और एक लिया है मैंने ब्लैक। ब्लैक और अम्मा महीर का? महीर का तो मैंने इतना प्यारा कलर लिया है, मेहरून कलर का कुर्ता है। वाह मेरा माही तो बहुत ही क्यूट लगेगा मेहरून में। अब हम लोग जा रहे हैं डॉल्फिन मॉल, तो इसलिए जल्दी से मैंने स्कार्फ अपना सेट कर लिया है, मास्क भी सेट कर लिया है। भैया अब इतना भी रश नहीं है, शुक्र है कि हम लोग जल्दी आ गए, रश नहीं है रोडों पे, जल्दी से लगाओ कहीं पर भी। पार्किंग में रश है, अल्लाह करे मॉल में भी रश ना हो यार, प्लीज ना हो ना हो, लेट्स सी। सबसे पहले मैं आई हूँ यहाँ शापोश ड्रेसेस वगैरह देखने अपने लिए कि कोई पसंद आ जाए तो ले लूंगी यहाँ से मैं, लेकिन कुछ समझ आ नहीं रहा है सच। मैं चाह रही हूँ कोई घेर वाली फ्रॉक मिले, लेकिन है ही नहीं। इनको मैंने बोला तो उन्होंने कहा कि ये वाली है, तो इतना मतलब स्ट्रेट वाला फ्रॉक था कि मतलब घेर था ही नहीं उसके अंदर। तभी देख रहे हैं ये कुर्ती अच्छी लग रही है अम्मा, कलर अच्छा है, लेकिन वाइट पहन पहन के ना मेरी पूरी फेस जो है वो वाइट हो गई है, इन स्पेसिफिक कलर है कुछ, ये थोड़ा पिंकिश पे जा रहा है। चल देखते हैं तो समझ आता है। मैं साहब का शूज देखने आए हैं, मुझे वो वाला शूज ज्यादा पसंद आया है, ब्लू वाला, तो ये ब्लैक वाला पसंद आया है। अभी आप बच्चे अंकल नहीं होंगे, जिसे अंकल पहने ना ये भाई की उम्र का लड़का पहने अच्छा लगेगा, थैंक गॉड हुसैम ब्लू वाला शूज जो है पसंद आ गया, वरना ले ही नहीं रहा था, जबरदस्ती इसको दिलाया, वो प्यारा लग रहा था ना, वो अच्छा लग रहा था, तो हम वो हमने ले लिया। अब हम लोग जा रहे हैं जरी का देखने, जरी की फेवरेट पैंट मिल गई है, इस कलर का, ये कलर हमें पसंद आया है, साथ में ये ग्रे कलर पसंद आया है। जरी ने इसी टाइप की पैंट हमसे कही थी कि मुझे इस टाइप की पैंट चाहिए, तो हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं, बस अच्छी मिल जाए बेशक कहीं से। इसके अंदर की कोई टी शर्ट भी दिखा है प्लेन, कोई नहीं पहचाना, वैसे 2-3 लड़कियों ने पहचाना, लेकिन मैंने जो है वो इतना ध्यान नहीं दिया, इस तरह से चल रहा था। भैया और मैं यहाँ पर आ गए कैफे में, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही थी, सर में भी बहुत दर्द हो रहा था, वीकनेस भी हो रही थी, तो इस वजह से हम ऊपर आके एसी वाली साइड पर बैठ गए हैं और कुछ ऑर्डर कर लिया। भैया ने ड्रिंक ऑर्डर कर लिए, मैंने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर लिए, ताकि उसकी एनर्जी और जो नींद नींद आ रही ना ये सब गायब हो जाए, तो ये सीन है। भैया मम्मा को तुम छोड़ के आ गए? मम्मा जो है मतलब तकरीबन समझो उज़ैम के शूज़ हो गए थे, जरी के कपड़े हो गए थे, उज़ैम के मम्मा कपड़े ले रही थी और महीद के लेने थे, तो मैंने कहा आप ले हम लोग जा रहे हैं, जब तक ऊपर हम लोग ऊपर आके यहाँ बैठ गए थे। मज़ेदार कोल्ड कॉफ़ीज़ हैं, कोल्ड कॉफ़ी कम, चॉकलेट मिल्कशेक ज़्यादा लग रहा है। आई थैंक गॉड मम्मा भी आ गई हैं ऊपर, सारी शॉपिंग करके मम्मा तकरीबन सारी चीज़ें निमट गई, तकरीबन निमटी है मगर अभी पूरी नहीं निमटी, अभी महीर का रह गया है और
रोजा एम की शूट है। मतलब कितना टाइम लगेगा और? एक घंटा और लगेगा बस फिर घर। नहीं मुझे जाना है गवर्नमेंट मॉल में जो है गाइस। एक जमाने में मेरे ख्याल से 20,000 भी बहुत ज्यादा होते थे, इतने सारे कपड़े आ जाते थे। लेकिन अब 20,000 कुछ भी नहीं है, मतलब समझो 20,000 तो मेरे ख्याल से 5,000 भी नहीं है। ऐसे खर्च होते ऐसे, और इतनी महंगाई क्यों गॉड। सिर्फ लड़कों के कपड़ों में इतना खर्चा होता है। मैं तो सोचती हूँ कि लड़कियों की जब शॉपिंग होगी तो हम लड़कियों का कितना ज़्यादा खर्चा होगा। वैसे तो एज यूजुअल बहुत खर्चा होता है, लेकिन फिर भी ना लड़कों का भी अब बिल इतना बनने लगा, तो अब लड़कियों का भी इतना सारा बनेगा। लेकिन है क्या कर सकते हैं, ईद का मौका है, कर लेंगे। लेकिन उतना हम खर्चा करते हैं ना ईद पर, उतना वसूल ही होता है हमें, मतलब ईद ही नहीं मिलती है। तो जितने भी लोग ईदी देने वाले, तो प्लीज़ इस साल ईदी बढ़ा देना, पिछली साल की तरह नो कंजूसी, ठीक है। ये मुझे एक अनस्टिच ड्रेस पसंद आया है। वाह कमल वाह, इनकी शॉप गंदी हुई ना तो ये पता है ज्यादा पैसे लेते हैं एक्स्ट्रा। अब इसको ऐसे ही ये वाला हमें सूट पीस पसंद आया, तो ये वाला तो डन हो गया, ये वाला तो मैं ले ही रही हूँ। मम्मा ये वाला वैसे, मम्मा ये भी नॉट बैड, ये भी बहुत प्यारा है, मगर जिनके लिए हम ले रहे हैं ना उस लिहाज से ये अच्छा है। चले ठीक है, ये ले लेते हैं। ये लड़के ने मुझे इतना घुमाया है ना पूरे मॉल में, खो क्या कह रहे हैं, मैं तो उधर हूँ। मैं साया पे था, वो रहा साया। दो साया है इस मॉल में, हम इस पर भी हैं, वो फ्रेंड साहब उधर चले गए। मैंने कहा पिंक बलून लेके, कह रहे नहीं माँ तो नहीं है, तो मुश्किल से लेके आई हूँ इधर में। चलो फिर लगाई, इतना रश है, मैं ना गिर जाऊँ, रश ही रश हम, बट हमें यहाँ जाना है, बच के जाना पड़ेगा। मम्मा का हाल पकड़ के लेके जा रही है, जा रही है कि मैं ही गुम होने वाली हूँ। चलो यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलना भी एक टास्क है गाइस। गॉड मेरे सारा नीचे फ्लोर पे ही रश हो गया, मेरी आंखों में मास्क जा रहा है, इतना बैग और कैश नहीं। मम्मा तीन चार लड़के को पहचान गया था, तीन चार के तो सही है, कह रहे हैं बस हमें चुप हो गए, रश पड़ रहे तो छोटा बच्चा जो है वो खो गया है, मैंने उसे हम कहा था ऐसे पकड़ लिया, आप ही का पकड़ा हुआ है, ये बच्चा ना खोए। मैंने आप ही का पकड़ा, भागो 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 मेरी खानी। बच्चे छोड़ो, मोबाइल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मोबाइल भी छुपाना चाहिए हमें। छुपो जा, छुपा लेते हैं। सो टायर्ड, इंतहा से ज्यादा गर्मी थी, मास्क 2 मिनट के लिए भी नहीं उतार सकते थे। मम्मा हैंड सैनिटाइजर पहली फुर्सत में। मम्मा नीचे वाले फ्लोर पे ज्यादा रश था, ऊपर वाले फ्लोर पे इतना ही। गाइज अभी मैं बैठी हुई हूँ गाड़ी में, और खुरैम मामा लोग जो हैं वो उज़ैम के शूज़ लेने गए सामने डॉर्मेंट सेंटर। तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बहुत ज़्यादा मेरे पैरों में दर्द शुरू हो गया, तो इस वजह से ऊपर से रश इतना ज़्यादा बढ़ गया था। तो मामा ने कहा कि तुम गाड़ी में बैठो, तो अभी मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ, थोड़ा सा आराम कर रही हूँ, और ये लोग बस आते ही होंगे। तो गाइज फाइनली मामा लोग भी आ चुके थे और सारी शॉपिंग हो चुकी है मेरे सारे भाइयों के। तो अभी जो है हम लोग आए हैं डॉलन मॉल क्लिफ्टन की साइड, बिकॉज मामा को ड्रेसेस लेने थे, तो अब मामा का ड्रेस हम लेंगे। अगर मुझे कुछ पसंद आ गया तो मैं अपना भी ले लूंगी। तो जल्दी से चलते हैं अंदर, आई होप कि यहाँ पे ज्यादा रश ना हो। सो हम लोग आ चुके हैं FPL, मम्मा पीछे जो है अपनी ड्रेसेस वगैरह देख रही हैं। सो लेट्स सी मम्मा को क्या पसंद आता है, और यहाँ से मैं अपना भी ड्रेस देखूंगी, तो मुझे क्या पसंद आता है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। गाइस पहले इस तरह से होता था कि मुझे ब्लैक ही ब्लैक पसंद आते थे सारे ड्रेसेस, और इस दफा तो ऐसा हो रहा है कि मुझे सारी व्हाइट पसंद आ रहे हैं। हालांकि मैंने इतने व्हाइट ड्रेसेस में शूट किया ब्रांड्स का कि अब मेरी बस हो गई, मतलब अब ईद पे व्हाइट ड्रेस नहीं पहनना, लेकिन स्टिल मुझे व्हाइट ड्रेस पसंद आ रहे हैं। मतलब ये कुर्ती देखो, जस्ट लुक एट दिस कुर्ती, कितनी प्रिटी लग रही है, लेकिन नहीं रह सकते क्योंकि वाइट इतनी दफा पहन लिया है, दूसरे ऑप्शंस में जाना पड़ेगा, और दूसरा ऑप्शन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उफ, बड़े मसले हैं लड़कियों के भाई। मम्मा आपको कौन सा पसंद आया?
वाओ सो प्रिटी कलर मैंने पहन लिया था मेरे ख्याल से, लेकिन पिछले से पिछले बकरा ईद पे पहना था। ये अच्छा लग रहा है, ये ले लूं मैं ईद के लिए, देखते हैं ना कैसा लग रहा है। वाह सो प्रिटी नाइस, अच्छा लग रहा है। चलो ये तो मैं डन कर रही हूँ। वाह दिस वन इज रियली प्रिटी, दिखाएं। मम्मा ने अभी सही छांटे हैं भाई, ये भी अच्छा लग रहा है। बताओ ग्रीन या पिंक, विच वन इज लुकिंग परफेक्ट? मम्मा आप बताएं, ग्रीन और पिंक कल। वाह आजा नचले नचले। हाँ इतना अच्छा नहीं है, आप बताएं ये ग्रीन अच्छा लग रहा है या पिंक? पिंक के आपको ज्यादा अच्छे लग रहे होंगे, बताएं आप। मुझे ये पिंक अच्छा लग रहा है। ओके लेट्स सी क्या डिसाइड। प्लीज मैंने अपने लिए ड्रेसेस पसंद कर लिए, एक तो ये मुझे ब्लैक कैजुअल बहुत प्यारा पसंद आया है, दूसरा मुझे एक ये फ्रॉक पसंद आया है जिससे मुझे अपना ईद का मतलब चांद रात का शूट कराना है। बहुत प्यारा आइडिया मैंने सोचा, तो यू गाइस विल डेफिनेटली लव इट। साथ में मैंने जो है ये ग्रीन वाला डिसाइड किया है और पिंक, बस ये डन हो गया। थैंक यू। तो फाइनली मम्मा और मेरी भी शॉपिंग हो चुकी है ना मम्मा, बस आपने मेरी ईदी बनानी है ना। बस मुझे रबीका ने मुझे बोला मम्मा मेरी भी ईदी बना के दे। इस दफा मम्मा बाबा और सारे भाइयों को मैंने ये कहा, इनफैक्ट महीर तक को मैंने ये कहा है कि मुझे इस दफा ईदी चाहिए, वो भी बास्केट वाली सजी हुई। महीन ने बोला बास्केट में खाने पीने की चीजें रख दूंगा। हाँ वो जैसे भी दे, मतलब बास्केट तो बास्केट तो है, बच्चा है यार वो तो कुछ भी दे वो exactly, तो सबसे ज्यादा exactly, लेकिन बस चाहिए मुझे बास्केट। मम्मा को मैंने ये कहा, मैंने आज रबीका अपनी और रबीका की अभी खैर मुझे करनी है, मतलब वो गिफ्ट वाली करनी है। वैसे तो मेरे सारे आउटफिट्स हो गए, कुछ होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और सिर्फ खुरैम रह गया और मेरी भी हो गई है तकरीबन, हील्स वगैरह लेनी है इंशाल्लाह, और बाबा रह गए और हाँ इनकी भी लेनी है, मतलब बाबा के और इन सबके कुर्ते जो है वो हमने ले लिया एसटी क्लोथिंग ब्रांड से, और बस इनके बेसिक कुर्ते रहते क्योंकि वो तो फैंसी है, तो वो बेसिक कुर्ते लेने खुरैम के और बाबा के, बाकी सबके तो बेसिक कुर्ते भी हो गए है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सबके हो गए। तो बस थैंक गॉड कि आज का दिन हम लोगों ने निकाल के सारी शॉपिंग कर ली। कल तक तो हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे थे और हम लोग टेंशन में थे कि क्या करें क्या करें, पता नहीं शॉपिंग हो पाएगी क्या नहीं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन हमने सब कुछ निपटा लिया, अब सुकून हो गया। तो अब बस घर ही जाएंगे, सैरी कराएंगी। अभी रास्ते में खाना, मुझे बहुत भूख लग रही है, अफ्तार में ना मैंने थोड़ा सा खाया था रास्ते में, ऊपर जहाँ दिल जाएगा। लेट्स सी सारे बैग्स दे लिए, 3 बैग्स थे टोटल, 1 2 3 डन डन डन। तो 3 बैग्स थे टोटल गाइस, सच बताऊँ तो बहुत खर्चा हो गया है। कि मतलब पता चल रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल महंगाई बढ़ गई है, लेकिन ईद पर सबकी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ईद होती है तो बच्चे कहते हैं जूते भी चाहिए, सॉक्स भी चाहिए, लड़कियां कहती हैं चूड़ियाँ भी चाहिए, रिंग्स भी चाहिए, इयररिंग्स भी चाहिए, ड्रेस भी चाहिए, कुर्ते भी चाहिए, हील्स भी चाहिए, तो ये नॉर्मल है। अभी तो मतलब शादी नहीं हुई तो ये हमारे शादी के बाद तो बंदा डबल फरमाइशें करते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आ गए हैं गाड़ी में, थकन से बुरा हाल, उफ अब ना बस दिल कर रहा है गर्मा गर्म कुछ बिरयानी मिल जाए, पुलाव मिल जाए, बस खा लूँ मैं, बहुत भूख लग रही है। सो फाइनली फाइनली जस्ट बैक होम गाइस, और ये रही सारी शॉपिंग, अल्हम्दुलिल्लाह 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 सब कुछ अच्छे से हो गया है। सो व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, बिकॉज चार्जिंग मेरे फ़ोन में सिर्फ और सिर्फ 1% है, मुझे जल्दी से चार्ज पे लगाना और चेंज वगैरह करना है। सो कीप सपोर्टिंग कीप लविंग, बहुत सारा प्यार बरसाओ वीडियो पर, और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सबकी ईद की शॉपिंग हो गई, अगर हो गई है तो भी बताना, अगर नहीं हुई कर रहे हो तो भी बताना, और ये भी बताना कि मैं ईद के पहले दिन कौन से कलर का ड्रेस पहनूं, क्योंकि इतने सारे कलर्स मैंने ऑलरेडी पहन लिए हैं शूट्स पे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अगर आप लोग मुझे गाइड कर सकते तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? मैं सबके कॉमेंट्स का वेट करूँगी। सो यस स्टे ट्यून, कीप सपोर्टिंग कीप लविंग, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।